देखिए दोस्तों, ये सुंदर सा और खूबसूरत सा जो बंगलो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है काफ़ी लोगों को पसंद आया था और ये डिज़ाइन के बारे में काफ़ी लोगों ने कुछ सवाल भी पूछे थे, जैसे कि लगभग चारों तरफ से ये पूरा जो है डिज़ाइन कैसा दिखेगा, उसके बाद में इस डिज़ाइन के कुछ कलर ऑप्शन भी लोग देखना चाहते थे, और ये जो पूरा घर है ये कितने एरिया में बनेगा, मतलब कितना प्लॉट लगेगा, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई लगेगी इस घर को बनाने के लिए, और ये भी सवाल पूछा था। और उसके बाद में इसका नक्शा किस टाइप में है ये भी लोगों ने सवाल पूछा था, और ये जो डिज़ाइन है, ये पूरा जो घर है, ये घर बनने में आज की डेट में कितना खर्चा लगेगा, ये भी सवाल पूछा था। तो इन सभी सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लॉट है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लॉट है, लेकिन ये जो है कम एरिया में किया गया है, मतलब फ्रंट में भी काफ़ी जगह छोड़ी गई है और इस साइड में भी कुछ जगह छोड़ी गई है और इस साइड में भी जगह छोड़ी गई है और पीछे की साइड से भी कुछ जगह छोड़ी गई है। तो अगर आपका प्लॉट जो है अगर छोटा भी है तो ये छोटे प्लॉट में भी ये पूरा जो है प्लान बैठ सकता है। और इसका लेंथ देखते हैं तो आपको जो है विड्थ अगर लगेगी प्लॉट की तो कितनी लगेगी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इस कॉर्नर से यहाँ पर इस कॉर्नर से अगर इस कॉर्नर तक ये जो कॉलम है हमारा इस कॉर्नर तक अगर हम देखेंगे तो हमको जो लेंथ मिलता है लगभग 29 फीट मिलता है, मतलब लगभग 130 फीट मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी हमें वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड से जगह छोड़ी है, इस साइड से 3 फीट छोड़ी है और इस साइड से भी 3 फीट छोड़ी गई है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लेंथ अगर हम देखते हैं आप देख सकते हैं 41 फीट है लगभग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब 41 फीट है। तो इसका नक्शा भी हम देखेंगे, देखिए मतलब लगभग आप देखते हैं 30 फीट बाय 40 फीट में ये जो है पूरा जो है कंस्ट्रक्शन बैठ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार पार्किंग है, यहाँ पर स्टेप है, यहाँ पर वरांडा है, यहाँ से मेन एंट्री होने वाली है हमारी इस हॉल में, इस साइड में विंडो है और इस साइड में भी विंडो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन टेरेस बताया गया है। अब पूरा जो है प्लान जब हम देखेंगे तो और भी डिटेल में हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बालकनी बताई गई है और इस साइड में ये जो है पूरा जो है ओपन टेरेस भी बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर डोर है और ऊपर अगर हम आते हैं टेरेस पर आप देख सकते हैं, टेरेस पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये पूरा का पूरा जो है टेरेस बनाया गया है और इसको जो है काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बना है। ये जो पूरा आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है हमारे कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग बनाया था। आप देख सकते हैं कस्टमर की चॉइस थी कि उनको जो है यहाँ पर कोई ना कोई एस टाइप का निशान चाहिए था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो है हमने ये बड़ा सा एक एस बनाया था, ठीक है। तो पूरा जो है ये ब्रिक को पेस्ट करके भी बना सकते हैं या तो फिर RCC में भी हम ये पूरा जो है डिज़ाइन बना सकते हैं। कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर नाम भी डाल रखा है हमने, आप देख सकते हैं। अब ये जो पूरा जो है कंस्ट्रक्शन, ये जो पूरा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के कलर ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद में इसका प्लान देखेंगे और इसका बजट भी देखेंगे कि कितने में बनेगा। तो अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं 30 फीट बाय 40 फीट में ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन बैठ सकता है, लेकिन इसके अलावा आजू बाजू में आपको कम से कम 2 फीट या 3 फीट की जगह छोड़ना पड़ेगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो है लगभग 1200 स्क्वायर फीट में ये जो है पूरा जो है बैठ सकता है। तो इस साइड से डिज़ाइन जो है पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉर्नर व्यू ही बनाना था, कॉर्नर में ही डिज़ाइन चाहिए था, तो इसके हिसाब से ये जो है कॉर्नर में डिज़ाइन दिया था और इस साइड में कोई भी डिज़ाइन नहीं दिया है। लेकिन जब नक्शा हम देखेंगे तो नक्शे में हमको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग पूरा डिज़ाइन हमने बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर कॉम्बिनेशन हमने जैसे कि आपको बताया था रेंडरिंग के बाद ये पूरा जो है डिज़ाइन जो है इस टाइप में दिखता है। यहाँ पर पार्किंग है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज किया गया है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और यहाँ पर भी चेंज किया गया है कलर कॉम्बिनेशन में। आप देख सकते हैं ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन है और ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था। तो इस टाइप में ये जो है पूरा जो है डिज़ाइन हमने बनाया था और ये कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे। तो बहुत ही शॉर्ट में ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का नक्शा देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था 29 फीट इसका विड्थ है और यहाँ से यहाँ तक लगभग 41 फीट है, 37 यहाँ तक है और इसके बाद में ये 4 फीट है। यहाँ पर पार्किंग है, आप देख सकते हैं 11.5 फीट इसका विड्थ है और 10 फीट 2 इंच है यहाँ तक है, उसके बाद में ये 4 फीट है, मतलब लगभग 14 फीट 2 इंच है यहाँ तक।
और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉल है, हॉल में से स्टेयरकेस बताया गया है, ये डुप्लेक्स हाउस प्लान है, अंदर से ही सीढ़ी बताई गई है, आप देख सकते हैं 16 फीट बाय 16 फीट का हॉल है। यहाँ पर पूजा रूम है 7 फीट बाय 5 फीट का, यहाँ पर बेडरूम है 11 फीट 2 इंच बाय 13 फीट का, यहाँ पर किचन है 8 फीट बाय 14 फीट का, यहाँ पर बाथरूम है 4 फीट 8 बाय 8 फीट का, 4 फीट बाय 6 फीट का टॉयलेट है, और यहाँ पर 10.5 फीट बाय 12 फीट का बेडरूम है। तो आप देख सकते हैं पूरा जो है 2 BHK प्लान नीचे बनाया गया है, डुप्लेक्स हाउस प्लान है। इसके ऊपर जो है सेम प्लान रिपीट किया गया था, आप देख सकते हैं सेम प्लान रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेयरकेस है यही पे एंड कर दिए गए हैं और इसको जो है क्रॉस बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये स्टेयरकेस नीचे से है और यहाँ पर इस बालकनी पर हम पहुँचेंगे, 4.5 फीट बालकनी है, यहाँ पर 4 फीट है, इस बालकनी से हम इस ओपन टेरेस पर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर इसका डोर रहेगा, यहाँ पर विंडो है, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से बालकनी रहेगी। इस बालकनी पर खड़े रहेंगे तो नीचे जो है हमको जो बैठेंगे लोग वहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है, सोफा सेट वगैरह दिख जाएगा। तो इसका स्लैब जो है 20 फीट पर रहेगा, मतलब डबल फ्लोर पर रहेगा, और बाकी का स्लैब जो है वो 11 फीट पर या रेगुलर हाइट पर रहेगा, ठीक है, 10 फीट 11 फीट जो भी हाइट लेते हैं आप आपके हिसाब से। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं लगभग 30 फीट बाय 40 फीट में ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का प्लान हमने बनाया था। तो इसका बजट जो है आज के डेट में कितना जाता है तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको लेंथ के हिसाब से यहाँ पर ये जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया था वो 30 फीट बाय 40 फीट में बनाया था, मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया गया था। तो नीचे का 1200 स्क्वायर फुट और ऊपर का 1200 स्क्वायर फुट है, लेकिन इसके अलावा अगर फ्रंट में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी जगह है, लेकिन आपको ये बड़ी जगह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो कंपाउंड वॉल है, ये कंपाउंड वॉल का बजट हम नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ ये जो है यहाँ पर यहाँ तक पूरा जो है G+1 का जो है पूरा जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा जो है कहाँ तक आएगा वो हम डायरेक्टली अंदाज से बता देंगे। तो अगर 1200 स्क्वायर फुट का नीचे का और 1200 स्क्वायर फुट का ऊपर का, मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 2400 स्क्वायर फुट का ये जो है पूरा जो है कंस्ट्रक्शन का एरिया आता है, और आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट में खर्चा आता है। तो ये जो बजट हम बता रहे हैं, ये बजट जो है आपकी चॉइस के हिसाब से और आपकी जगह कहाँ पर है, आपका प्लॉट कहाँ पर है उसके हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा जो है कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो बजट है आज की डेट में लगभग 1500 पर स्क्वायर फीट जो है खर्चा आता है, लेकिन अगर सिटी के अंदर, बड़े सिटी के अंदर आपका घर है तो बजट जो है बढ़ सकता है, गांव में है तो थोड़ा सा बजट कम हो सकता है। और आपकी चॉइस कैसी है, मतलब डोर कितने रेट में आप लेना चाहते हैं, कैसा बिठाना चाहते हैं, टाइल्स पर कितना खर्चा करना चाहते हैं, रिलिंग वगैरह कैसे लेना चाहते हैं, किस क्वालिटी की लेना चाहते हैं, डोर्स विंडोज किस क्वालिटी के लेना चाहते हैं, और पूरा जो है कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, इसके ऊपर जो है पूरा जो है खर्चा जो है कम ज़्यादा होता है। लेकिन लगभग यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2400 स्क्वायर फुट का एरिया आता है, 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट में लगभग कलर बाहर का पूरा जो है कलर, अंदर का पूरा जो है कलर, डोर्स विंडोज इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग लगभग पूरा खर्चा हो जाता है विदाउट फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर वगैरह जो है वो आप एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, लेकिन पूरा जो है कंस्ट्रक्शन लगभग रहने लायक और साधारण रेगुलर क्वालिटी का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे इस बजट में हो जाएगा। तो इसका जो बजट आएगा लगभग 36 लाख के करीब आ जाएगा, मतलब 36 लाख के करीब आ जाएगा, तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग 35 से 40 लाख हम इसे कह सकते हैं, तो ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का ये जो छोटा सा वीडियो जो है आपको समझ में आया और पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है तो दो लोगों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इसी टाइप में बहुत सारे लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हमने वीडियो अपलोड किए हैं, और आने वाले समय में और भी हज़ारों वीडियो जो है हम आपको इस चैनल पर अलग अलग टाइप के लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए, आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।